नमस्कार, जन्म कुंडली विश्लेषण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे विशेषकर किसी पर्सन के लिए जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ऐसे तो नेता और अभिनेताओं का जन्म कुंडली विश्लेषण तो मैं करता ही रहता हूं, लेकिन आज विशेष तौर पर अब मैं उन लोगों की भी जन्म कुंडली विश्लेषण किया करूंगा जो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं। अतः आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल लिख सकते हैं और मैं उसमें से किसी एक जन्म तिथि को चुन करके जन्म कुंडली विश्लेषण में लेने का प्रयास करूंगा। आज मैं जिसकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं, इनका नाम माधवी सिंह है। जन्म हुआ था इनका दिल्ली में और वर्तमान समय में यह इंदौर में कार्यरत हैं और भोपाल आने की तैयारी में ये लगे हुए हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ मैं आपको स्टोरी सुना दूं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले दिल्ली के किसी भक्त ने इनको मेरा नंबर दिया। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है इनके बारे में मैंने जाना, इनकी पत्रिका के बारे में मैंने सारी जानकारियां दी और मैंने इनको किस प्रकार का उपाय बताया है यह भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली कोई इस प्रकार की बातों को नहीं बताता है। 20 अक्टूबर 1985 को एक साधारण फैमिली में एक लड़की का जन्म होता है। अगर वर्तमान शिक्षा की स्थिति की इनकी बात की जाएगी तो अभी भी इनकी शिक्षा बहुत अच्छी है और पहले भी इनकी शिक्षा बहुत अच्छी थी। बच्ची पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी, लेकिन कुछ क्रोध रहने के कारण परिवार के कुछ लोगों से तालमेल नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे समय बीतते चला गया और परिवार से जो है इनकी कलह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। क्योंकि पिता एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थे तो परिवार पे उनका बल और प्रभाव निश्चित तौर पे था, तो उन्होंने इनका विवाह एक बहुत ही अच्छे घराने में कर दिया। वैवाहिक जीवन की भी बात मैं अगर करना चाहूं तो जो है उसमें खटास हमेशा इनके जीवन में लगा रहता है और स्थितियां कभी कभी ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि इनको लगता है कि सुसाइड करना ही बेस्ट ऑप्शन है। जहां तक दाम्पत्य जीवन में मैं बात करना चाहूं तो इनके पति से इनके तालमेल बिल्कुल ही अच्छे नहीं है और ससुराल पक्ष से भी इनके तालमेल बिल्कुल अच्छे नहीं है। जहां तक विवाह की बात की जाए तो विवाह के लिए इनके पिता ने सिर्फ प्रस्ताव ही कहीं भेजा था, लेकिन सामने वाले अत्यधिक धनी और अत्यधिक पावरफुल और पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे ताल्लुक रखते हैं। अतः इस कारण इनका विवाह जो है बहुत ही उच्च कुल में हुआ। पुत्र की बात अगर मैं करूं तो इनके पुत्र संतान कुछ नहीं है, पुत्रियां ही हैं और पुत्र के मोह में भी ये काफी चिंतित रहती हैं। ससुराल पक्ष से इनका मतभेद शुरू से ही लगा रहा। प्रेम संबंध में इनकी अफवाहें हमेशा उड़ती रहीं और हमेशा जो है प्रेम से रिलेटेड इनको जो है मतभेद और अपमान का भी सामना करना पड़ा। धीरे धीरे समय बीतने के पश्चात में जो है इन्होंने विवाह के बाद अपनी पढ़ाई को पूर्णता दोबारा पूर्ण किया और कुछ समय के लिए यह सरकारी नौकरी करने के पश्चात अभी वर्तमान में यह घर से ही कुछ नया करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ना मायका से रिश्ता बहुत बढ़िया है, ना ससुराल से बहुत बढ़िया रिश्ता है, ना मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है और ना पति से बहुत अच्छा इनका रिश्ता है। वर्तमान समय में यह स्वतः थोड़े डिप्रेशन में है, तनाव में है। इनको जीवन में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कई लोगों से इन्होंने अपनी जन्म पत्रिका दिखाई है, लेकिन वर्तमान में यह मेरे से जुड़े हैं और इनका कहना है कि आपका उपाय किया गया कम से कम मेंटल पीस दे रहा है और जीवन के उचित लक्ष्य की ओर मैं बढ़ने का प्रयास कर रही हूं, क्योंकि मुझे जीवन में न मायका का सुख मिला, न ससुराल का सुख मिला, न पति का सुख मिला, न पुत्र का सुख मिला और ना ही प्रेम का सुख मिला और ना ही सरकारी नौकरी में मैं स्थिर रह पाई। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं माधवी सिंह की जन्म कुंडली विश्लेषण में, जिसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि क्या है इनकी पत्रिका में जो इनके साथ इस प्रकार की घटनाएं जीवन में घटित हुई। और मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता को भी आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं रत्नों की जानकारी हमेशा देता हूं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बढ़ता हूं माधवी सिंह की
जन्म पत्रिका की ओर और बताता हूं कि कौन सा ग्रहों का स्थिति आज इनके जीवन में जो है भूचाल ला के पैदा कर दिया है और यह जीवन के उस मोड़ पे बैठी हैं जहां यह निर्णय नहीं ले पा रही हैं कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। सबसे पहले इनकी जन्म पत्रिका में इनकी जन्म तिथि की बात अगर मैं करना चाहूं तो इनका जन्म 20 अक्टूबर 1985 को 10 बजे रात्रि में दिल्ली में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो इनका लग्न उदय हो रहा था मिथुन लग्न की और इनकी पत्रिका की राशि जो बन रही थी वह बन रही थी मकर। इनका नक्षत्र जो रहा जन्म का वह रहा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। लेकिन लग्न पे विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लग्न ही मनुष्य के मस्तिष्क हैं। अगर लग्न की स्वामी की बात किया जाए तो लग्न के स्वामी पांचवें घर में जो है 21 डिग्री के सूर्य से अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न के स्वामी जो होते हैं वह बुध होते हैं। पहले बुध की प्रवृत्ति को आप समझिए और यह आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस कंडीशन में इनकी स्थितियां इस प्रकार से हुई। और जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा मन का कारक होता है, जब इनका जन्म मिथुन लग्न में हुआ तो मिथुन लग्न के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। यह एक जो है यह राशि जो है उग्र स्वभाव का राशि है और दिव्य स्वभाव भी इसके अंदर निहित है, यानी ऐसे व्यक्तियों का मस्तिष्क कभी भी शांत नहीं रहता है। अगर इसके वातावरण की बात की जाए तो यह जो है बंजर स्थिति की एक भूमि है, यानी बंजर का मतलब होता है जहां कुछ भी ना उपजे, लेकिन अगर बंजर भूमि पे अच्छे से सेवा किया जाए तो जीवन में कुछ न तो कुछ जरूर उसमें फल पौधे उगते हैं, यानी जरूर कहीं न तो कहीं अपना फल देने का लायक बनता है। जी हाँ, यही कारण है कि मिथुन लग्न में जन्म लिया व्यक्ति का जीवन बहुत ही संघर्षकारी और स्ट्रगलकारी होता है और सब कुछ रहने के बाद भी उनको उसका फल नहीं मिलता और वो खुद ही परिवार को चलाते हैं। एक शुभ राशि है मिथुन, इसमें कोई शक नहीं है। राशि के स्वामी स्वहता बुध है, रात्रि के स्वामी है ये। जी हाँ, जिन व्यक्तियों का भी मिथुन लग्न में जन्म होता है यह कन्या लग्न में ही जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति रात्रि में अत्यधिक काम को करते हैं और रात्रि में ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यही कारण है कि मिथुन लग्न के व्यक्तियों में अगर किसी प्रकार की मतभेदता भी होती है परिवार में तो वह रात्रि के समय ही ज्यादा होती है, दिन के समय में कम होती है। वायु तत्व होने के कारण जो है मन स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर मन चंचल होता रहता है और मिथुन लग्न यानी मिथुन राशि यानी बुध जो है यह एक बालक ग्रह है और वाणी के कारक है। बालक ग्रह रहने का मतलब होता है कि मन में चंचलता होना, बालक ग्रह रहने का मतलब होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वही इनके साथ भी हाल है, इनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है और हमेशा जीवन में उग्रता और अस्थिरताएं बनी रहती हैं। वाणी के कारक होने के कारण जो है और बालक तत्व होने के कारण जो है मिथुन राशि के स्वामी बुध जो है व्यक्ति को वाणी में जो है खास करके स्त्रियों में जो है कभी कभी अत्यधिक जो है बड़बोलवापन ले आता है। अब यहां पे देखिए क्या हुआ कि लग्नेश बुध से अस्त हो गए, जो इनको स्वभाव से अत्यधिक क्रोधित चिचिड़ा और साथ में जो है अस्थिरता प्रदान भी किया। एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि सूर्य के साथ बुध बैठने पे बुध आदित्य की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन सूर्य तुला राशि में बैठे हुए हैं तो यह जो है पूर्णता बुध आदित्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। बुध आदित्य मनुष्य के जीवन में बौद्धिक ज्ञान धन और कर्म और मोक्ष के भी कारक होते हैं, लेकिन नहीं होने के कारण जो उसका पूर्णता प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक चीज यहां पे अवश्य देखने वाली बात रहेगी कि बुध और शुक्र का राशि एक्सचेंज हो रहा है, जो एक राशि परिवर्तन राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है। यही राजयोग जो है इनको इतना संपत्ति दिया है कि व्यक्ति बैठे बैठे अपने जीवन में तो कभी कम करके तो प्राप्त नहीं कर सकता, या तो लॉटरी सट्टा या किसी के द्वारा ही मिल जाए तो अत्यधिक अच्छा होता है, यानी कर्म करके उतना तो मिलना बहुत टफ होता है। अब यहां पे देखिए, क्योंकि मन को चलाने वाला चंद्रमा होता है और चंद्रमा के ऊपर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो है यह विष योग उत्पत्ति करता है और साथ में बृहस्पति बैठा है, लेकिन गज केसरियों का कोई फल नहीं मिलने वाला क्योंकि बृहस्पति ऑलरेडी नीच का है और शनि जो है अपनी राशि को देख रहा है, तो चंद्रमा के जो भी शुभता फल है उसको निश्चित तौर पर समाप्त कर रहा है, जो इनको डिप्रेशन मेंटली टेंशन और साथ में जो है अस्थिरता और कभी कभी जो है मेडिकल से रिलेटेड इलाज कराने की भी आवश्यकता कर देता है। अब यहां पे जैसे कि देखिए,
यानी यह तो आप समझ गए कि इनका मानसिक स्थिति किस प्रकार से खराब हो रहा। और इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि इनके लग्न के स्वामी बुध जो है 21 डिग्री के हैं तो ऑलरेडी कमजोर है, तो इनकी बौद्धिक स्थिति कहीं से भी बहुत अच्छी नहीं है। अब यहां पे देखिए, करियर क्षेत्र में क्योंकि बुध पंचमे से सूर्य के साथ और लग्न के स्वामी स्वतः बुध ही है और कर्म के स्वामी जो है बृहस्पति है, तो जो कर्म का स्वामी होता है उस ओर प्रेरित करता है। इन्होंने अपने जीवन में लेक्चररशिप यानी जो है इन्होंने अपने जीवन में बीएड करके लेक्चररशिप तक भी कर रखा है, लॉ में भी बहुत अच्छे पद पे रही हैं ये, यानी बहुत अच्छे टॉप क्लास के ये लॉयर के भी पढ़ाई किया है इन्होंने यानी वकालत का, और सरकारी नौकरी करके इन्होंने छोड़ा है। यानी इनका प्रोफेशनल लाइफ बाई शिक्षा की बात करूं तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में करियर इनका कहीं से भी बहुत बढ़िया नहीं रहा है। अब हम लोग बात करेंगे दांपत्य जीवन का, जिसके चलते इन्होंने मेरे से पत्रिका दिखाई है। हुआ क्या कि दांपत्य जीवन स्थान का स्वामी इनके कुंडली में बृहस्पति है, और बृहस्पति जो है वह अष्टमेश हो गए हैं, और कितने डिग्री के हैं, 13 डिग्री के प्लस नीचे के हैं। 13 डिग्री के बृहस्पति बहुत ही कमजोर अवस्था में चले जाते हैं, और बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि है और साथ में जो है मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 भी दांपत्य जीवन पे पड़ रहा है। अब यहां पे ये दो पॉइंट तो हो गया, तीसरा पॉइंट भी आपको समझनी चाहिए कि राहु की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि भी इनके दांपत्य जीवन पे पड़ रहा था। तो क्या हुआ कि विवाह तो इनके कुंडली में जब बृहस्पति की दशा आई थी, जी हाँ 2009 से 11 के मध्य में बृहस्पति की दशा आई, तो इनका विवाह तो हो गया, क्योंकि बृहस्पति में विवाह स्त्रियों का जनरली हो ही जाता है। लेकिन अब इन सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण और सप्तमेश बृहस्पति की स्थिति खराब होने के कारण जो है इनका विवाह इनके इनके उम्र से कई ज्यादा बड़े से शादी हुआ, मतलब इनका जो उम्र है उनसे इनका 11 से 12 12 वर्ष के बड़े उम्र के व्यक्ति से विवाह हुआ, क्योंकि सप्तमेश की स्थिति ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं थी, और जिन्होंने इनसे विवाह किया वह सहता ही इनके पास ऑफर भेजे थे, क्योंकि वह धनी थे, पैसे वाले थे, लेकिन पैसे के दम पे उन्होंने विवाह किया है इनसे। और इन्हें भी लगा कि बैठे बैठे एक साम्राज्य की प्राप्ति हो रही है इनकी फैमिली को, तो विवाह करने में कहीं से कोई कमी नहीं है। अक्सर माता पिता अपनी स्त्रियों का विवाह बड़े घर में ही करना चाहते हैं। अब यहां तक तो ठीक है, विवाह होने के कुछ समय के बाद ही जो है नौवां घर जो होता है यह जो होता है गोतनी का होता है, मतलब भाभी की होते हैं, मतलब उसके बड़े भाई के जो होते हैं, मतलब उसके हस्बैंड के बड़े भाई और उनकी वाइफ का होता है, उसके स्वामी शनि भी अष्टमेश माफ करेंगे रोगेश हो गए। अब यहां पे देखिए कि इन सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2009 से 11 के मध्य में इनका विवाह हुआ, यह मायका छोड़ करके ससुराल की ओर आए, तो इनके पिता की उन्नति निश्चित तौर पर बढ़नी चालू हो चुकी थी, क्योंकि इनके द्वारा भी इनके पिता बहुत ही परेशान रहते थे और साथ में जो है अस्थिरताएं भी बनी रहती थी। तो यही कारण है कि विवाह के बाद इनके पिता का उन्नति भी बहुत ज्यादा प्रारंभ हो गया, लेकिन इन सभी पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण इनका दांपत्य जीवन पूरा अस्थिरता पूर्ण होने लगा। सातवां घर से सुख होता है आठवां घर, यानी विवाह से विवाह का सुख होता है आठवां घर, और इनका दांपत्य जीवन बहुत ही किचर किचर और बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण रहने लगा। आठवां घर ससुराल पक्ष का होता है, नौवां घर जो होता है भैया और भाभी का होता है, तो इन लोगों से भी इनकी तालमेल इसलिए खराब हो गई कि ऑलरेडी शनि जो है वह अष्टमेश हो गए। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात यह भी रहा, क्योंकि सातवां भाव जब भी खराब होगा तो सिर्फ प्यार और स्नेह से नहीं चलता है दांपत्य जीवन, दांपत्य जीवन एक दूसरे के विचारों से भी चलता है। विचार का मालिक इनके कुंडली में चंद्रमा की बात अगर मैं करना चाहूं तो चंद्रमा इनके कुंडली में भी अष्टमेश हो गया। वह बात अच्छे है कि चंद्रमा भले ही देख रहे हैं द्वितीय स्थान को, तो द्वितीय स्थान जो होता है वह आपके वाणी का होता है, आपके परिवार का होता है और जनता का होता है। चूंकि बाहर वाले लोग इनको अच्छे से इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि इनके मन में कितनी क्रोध है और इनके जीवन में कितना ज्यादा जो है कह सकता हूं कि आक्रामकता है, तो इसी कारण से ये बाहर वालों से रिश्ता सुधारने के लिए यानी हमेशा बाहर वालों से ये रिश्ता बहुत ही अच्छे रखते हैं, लेकिन पति से इनका विचार और परिवार से इनका विचार कभी बहुत बढ़िया नहीं रहता है, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ने से यह व्यक्ति को साइको और पागल का योग भी प्रदान कर देता है। अब आगे की स्थिति की बात मैं इनकी पत्रिका में करना चाहूंगा, तो अब देखिए इनके कुंडली में
और कुछ चीजों की बात करना चाहूंगा। मंगल और शुक्र जब भी साथ में बैठ जाता है तो आपके घरेलू सुख की स्थितियों को कभी भी ठीक नहीं रहने देता, और स्त्रियों नहीं पुरुष की भी कुंडली में जब मंगल और शुक्र साथ में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी शारीरिक संबंध यानी सेक्स से संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। और जब सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो सातवां घर जो होता है योनि का होता है, सेक्स का होता है, और सातवां घर जब ऐसी भी व्यक्ति को खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी शारीरिक संबंध में संतुष्टि नहीं मिल पाती। फिर भी इनके कुंडली में लग्नेश की स्थिति अच्छी है, इसीलिए यह कैरेक्टरलेस तो नहीं है, लेकिन बाहर वाले लोगों से इनका यानी विपरीत लिंगों से इनका लगाव हमेशा बना रहता है। लेकिन लग्नेश की स्थिति और इसके बाद फिर जो है कह सकता हूं कि राशि परिवर्तन यानी शुक्र की स्थिति यानी पंचमेश की स्थिति जो प्रेम का होता है वह जो है इनका शुभ है। यही कारण है कि स्त्री पति से ही प्रेम करती है और चाहती है कि उनको ही परिस्थिति को ठीक किया जाए। पांचवा घर में सूर्य बुध और केतु विराजमान है, यानी घर के बाहर के लोगों से प्रेम भी करेंगी तो इनका प्रेम कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के स्थान में नीचे के सूर्य विराजमान है। अतः इनको झेलने के लिए भी मनुष्य को बहुत पावर चाहिए, नहीं तो वह भी डिप्रेशन में चला जाएगा। अब इनका देखिए पुत्र का सुख इनके कुंडली में नहीं है, क्योंकि पुत्र के लिए बृहस्पति का, सूर्य का और इसके अलावा मंगल का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक होता है। मंगल तो शुक्र के साथ बैठ करके ऐसे भी जो अशुभ स्थिति में चला गया है, सूर्य कमजोर है और बृहस्पति कमजोर, इसलिए इनको पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हुआ है, जिस कारण से ये और थोड़े से डिप्रेशन और परेशानियों में रहती है। कर्म क्षेत्र की अगर मैं बात करना चाहूं तो कर्म क्षेत्र का लॉर्ड बृहस्पति अष्टमेश है, यही कारण है कि आज तक इन एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाए, और छठे हाउस का शनि क्योंकि वहां के कारक भी होते हैं तो शनि जो है इनके हेल्थ रिलेटेड बड़ी समस्याएं तो नहीं दे रहा है, लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा और शुक्र और मंगल के कारण जो है यूरिन संबंधी थोड़ी सी समस्या, और चंद्रमा के कारण सिर दर्द की थोड़ी सी समस्या, और साथ में जो है इनको शुगर का बीमारी प्रदान हो चुका है। अब इन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि जीवन में मुझे मानसिक शांति मिल पाएगी, मैं जीवन में किस प्रकार से सफल हो जाऊंगा, तो मैंने इनको क्या सलाह दिया है पहले आप इस बातों को समझिए। हो क्या रहा है कि 2014 से 17 के मध्य में जब इनके जीवन में बुध का दशा चला तो इनके इनके पास दौलत की कमी नहीं थी, शोहरत की कमी नहीं थी, ज्वेलरी हो, संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, किसी चीज की कमी नहीं थी। 2017 और 18 में राहु में केतु का प्रवेश हुआ तो केतु पंचमेश होने के कारण जो है इनके जीवन में एक और संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वह कहीं से भी जो है पुत्र की प्राप्ति हो ही नहीं सकता था। तत्पश्चात जो है इन्होंने अबॉर्शन ही कराने का बेस्ट ऑप्शन समझा होगा, यह बच्चा खराब हो गया। इसके बाद फिर जो 18 से 21 के मध्य में वर्तमान समय में इनके जीवन में राहु में शुक्र चल रहे हैं, शुक्र इनके कुंडली में चौथे घर में विराजमान है, भले ही राशि परिवर्तन राजयोग बना हुआ है लेकिन शुक्र इनके कुंडली में चौथे घर का विराजमान है और वह का स्थान अधिपति होने के कारण जो है इन लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन अभी इनकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि द्वादश घर केस मुकदमा से रिलेटेड होता है तो इनके जीवन में पति से मतभेद और केस मुकदमा के योग बने हुए हैं, क्योंकि द्वादश घर मनुष्य के व्यक्ति में और आठवें घर जो है व्यक्ति को जो है सुसाइड अटेम्प्ट देने का प्रयास करता है, क्योंकि खुद का परिवार भी नहीं रहा, मायके से भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, पिता से भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, और अब संपत्ति भी जा रहा है, और आज के टाइम में संपत्ति तो बहुत ही पावरफुल होता है यानी लक्ष्मी में बहुत ज्यादा ताकत होता है, तो धीरे धीरे इनका संपत्ति का योग भी समाप्त होते जा रहा है। पति से अलग रहने का यह प्रयास कर रही हैं, जो इनके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि मंगल और शुक्र जो है सेक्स की पूर्ति के लिए इधर उधर तो जरूर भटक जाएंगी, लेकिन इनको प्रेम करने के लिए कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिल सकता है। अब आगे की स्थिति की बात करता हूं, यानी फरवरी 2021 तक इनका केस मुकदमा, पति से मतभेद, स्वास्थ्य खराब, संपत्ति की हानि, और साथ में जो है शत्रुओं की बढ़ोतरी भी धीरे धीरे होती जा रही है। फरवरी 2021 से लेकर के जनवरी 2022 के मध्य में इनके जीवन में राहु में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा, सूर्य नीचे के हैं और इसके अलावा अधिपति तीसरे घर के हैं, कन्या लग्न मिथुन लग्न में तीसरे घर का अधिपति सूर्य होने के कारण अशुभ होता है और शनि भी अष्टमेश होने के कारण अशुभ होता है, भले वो भाग्यहेसी क्यों ना हो, और ऑलरेडी इनके जीवन में अभी शनि की 7.5 चल रही है जो इनको और मेंटली रूप से परेशान किए हुए है। यानी जनवरी 22 तक इनका समय कहीं से भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, जनवरी 22 से 23 में चंद्रमा का प्रवेश वो भी अच्छा नहीं रहेगा,
फिर मंगल का प्रवेश होगा, तब इनकी परिस्थिति ठीक होगी, तत्पश्चात फिर बृहस्पति का दशा का प्रवेश हो जाएगा। जब ये मेरे पास आई तो मैंने इनको दो तीन चार चीजों का बहुत ही अच्छा आसान सा उपाय बताया। सबसे पहले तो मैंने इनको बताया कि आपकी पत्रिका में ही है कि आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, अतः मैंने मन स्थिर रहने हेतु इनको सबसे पहले जो है एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करवाया, दूसरी बात मैंने इनको एक अच्छी क्वालिटी का हीरा रत्न धारण करवाया, और गले में मेंटल पीस के लिए ताकि शनि का प्रभाव चंद्रमा पे कम से कम पड़े, तो मैंने गले में एक अच्छी क्वालिटी का बड़े साइज का इनको मोती धारण करवाया। मैंने इनको पांच सलाह बहुत ही पर्सनली दिया है। मैंने इनको बोला कि आप अपने जीवन में पति से मतभेद मत करिए, जो आपके जीवन में मिला है उससे संतुष्ट करिए, क्योंकि द्वितीय हाउस का चंद्रमा खराब है तो बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि इनसे नाजायज संबंध बनाए, क्योंकि कहते हैं कि दुख अगर किसी के अंदर रहता है तो सामने वाला फायदा उठाने का प्रयास करता है। तो मैंने इनको बोला है कि घर के बाहर के लोगों से यानी जनता से संपर्क कम करिए, क्योंकि आपके जीवन में जो लोग भी रहेंगे वह आपको गलत ही सलाह देंगे। तीसरा, मैंने इनको समझाया है कि आप बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो एक धीरे धीरे आप एक अच्छा राइटर बनिए, और साथ में जो है आप घर में बैठे बैठे जो है ऑनलाइन कुछ भी अच्छा काम प्रारंभ कीजिए, जैसे मोटिवेशनल स्पीच हो जाए, जैसे कि लोगों को अच्छा कुछ समझाने का हो जाए, और बुध प्रबल होने में व्यक्ति बहुत अच्छा कुकिंग की ओर जाता है तो आप एक अच्छा कुकिंग क्लासेस भी घर में खोलिए, और नहीं तो यूट्यूब पे ही या फिर ऑनलाइन किसी चीजों में अच्छे से जाइए। इनको यह बात बहुत ही पसंद आई, इस पे कोई शक नहीं है, और मैंने इनको बोला कि आप और एक यूट्यूब पे चैनल खोलिए, ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म ऑन कीजिए जिसमें आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, क्योंकि जो आपसे प्रेम से बात करेगा आप उससे अच्छे से प्रेम से बात करेंगे। इसके अलावा मैंने इनको शंकर भगवान का पूजा करने के लिए राहु के लिए बताया, और सूर्य के लिए प्रत्येक दिन जल चढ़ाने को बोला है, और मैंने इनको बोला है क्रोध पे नियंत्रण रखने हेतु रात्रि के समय जो है थोड़ा सा आप सैर किया कीजिए और एक्सरसाइज किया कीजिए। एक्सरसाइज करने के दरमियान में क्या होगा, बृहस्पति के प्रभाव समाप्त होंगे और आप शुगर और थायराइड और पेट की समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। वर्तमान समय में यह बहुत ही गुड फील कर रही हैं, कुछ बीच में परेशानियां होती हैं तो मेरे से इन्होंने संपर्क भी करते हैं, और धीरे धीरे इन यह जो है क्योंकि राहु मनुष्य के जीवन में स्ट्रगल कराता है, केतु डिस्ट्रॉय कराता है, तो धीरे धीरे अब ये अपनी जीवन को समझ रही हैं। लक्ष्मी भी धीरे धीरे जाने के बाद इनके घमंड और अहम में थोड़ी सी कमी आई है, और वर्तमान समय में जो है कहीं ना तो कहीं शुक्र यानी अगर बात करूंगा तो इनको जीवन के सत्य की राह की ओर लेकर के जा रहा है, क्योंकि वह घर जो होता है यह मोक्ष का होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने जो है माधवी सिंह का संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अतः मैं यही अनुरोध करूंगा कि चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो कमेंट करें, या फिर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर अपनी पूरी स्टोरी और ग्रहों की स्थितियों को लिख करके भेजें, ताकि मैं आपकी जन्म पत्रिका लेने का प्रयास करूं। आज लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।